डे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दॉपिक टेंजेंट्स एंड नॉर्मल इट इज टॉपिक ऑफ एप्लीकेशन टॉपिक है सबसे पहले आता है स्लूप ऑफ टेंजेंट स्लूप ऑफ टेंजेंट को हम क्या लेते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब बेसिकली मतलब क्या होता है इफ देयर इज एनीर पॉइंट यह टेंट इस्टर पॉइंट पर टच करता है एंड एम इसके स्लोप को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट इज एम इज इक्वल टू टेन थे और जो एप्लीकेशन ऑफ डेटीज का यूज इसमें होता है सो so, हम करने जा रहे हैं अनदर यूज अनदर यूज ऑफ डी वाइबीएक्स सो क्या यूज है जब कोई भी कर्व दे रखी हो और हमें कर्व का स्लोप निकालना हो हम क्या करेंगे हम उसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे So, we will get the slope of a curve. This is the logic behind that. The next thing is if tangent if tangent is parallel to x-axis if tangent is parallel to x-axis dy by dx इज इक्वल टू जीरो कोई टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है व्हाट डज इट मीन वी कैन से द एंगल टेंजेंट थीटा क्या होता है टेंजेंट थीटा होता है द एंगल मेड बाय लाइन ऑन द एक्स एक्सिस मतलब कोई भी कर्व है सपोज दिस इज अ कर्व ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनाती है दिस थीटा इज कॉल्ड टेंजेंट थीटा

उसकेस में डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू जीरो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर पेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस If tangent is perpendicular to x-axis, theta is equal to 90 degree. That means dy by dx is equal to one upon zero, or I can say dx upon dy is equal to zero. This is the first thing. This is second thing. This is third. Fourth thing is if tangent is equation of tangent not tangent is I'll say equation of tangent equation of tangent at x1 y1 is this is y minus y1 is equal to m x minus x1 एम अगेन दैट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स फिफ्थिंग इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल नॉर्मल का मतलब होता है बेटा जी परपेंडिकुलर नॉर्मल उसी पॉइंट पर जहां पर टेंजर है उसी पॉइंट पर नॉर्मल नॉर्मल एट एक्स वन वाई वन इज एक्स वन दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एक्स वन वाई वन अब हम करने जा रहे हैं इसके बाद लेंथ ऑफ टेंजेंट लेंथ ऑफ सब नॉर्मल We draw x axis, y axis like this. Is. I suppose draw a curve like this way. This is thing we take it. This is point p x one y one or I can say x one y one and this is t let जेंट मीट टेंजेंट मीट अ कव टेंजेंट मीट अ कव एट पी एक्स वन वाई वन नाउ दिस इज अ टेंजेंट अभी मैंने लास्ट लेक् उसमें लिया लास्ट पॉइंट लिखा था नॉर्मल क्या होता है नॉर्मल इज पर पेंडिकुलर टू टेंजेंट This is, I can say, PM. This is, say, so here, PT is a tangent. PT is what? It is PT is a tangent, or so called, this PT is length of tangent. This PT is length of tangent. लेंथ ऑफ टेंजेंट की डेफिनेशन क्या बनी है लेंथ ऑफ टेंजेंट की डेफिनेशन हुई डिस्टेंस एट डिस्टेंस फ्रॉम वेयर टेंजेंट मीट कर्व टू वेयर टेंजेंट मीट कॉल्ड लेंथ इसका मतलब हुआ जिस पॉइंट पर टेंजेंट कर्व को मीट करता है उस पॉइंट से और दूसरा पॉइंट कौन सा हो गया वही टेंजेंट जब एक्सिस को मीट करता है जिस पॉइंट पर ज्वाइनिंग ऑफ दीज टू पॉइंट इज कार्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट। नाउ हमने पीटी टेंजेंट निकालना इससे पहले आई ड्रॉ वन हम एक परपेंडिकुलर लेते हैं आई टेक इट परपेंडिकुलर एन ड्रॉ ड्रॉ पी एन परपेंडिकुलर टू तो, पी एन परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। ट एंगल पी टी एन इज इक्वल टू थीटा आइसपो दिस एंगल इज थीटा दैन बाई ज्योमेट्री दिस एंगल इज ऑल्सो ठीटा नाउ सबसे पहले हम करने जा रहे हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है पीटी मैं लूंगा एन ट्राइंगल पी टी एन एन ट्राइंगल पी टी एन यहाँ पे पी टी की वैल्यू निकालनी है अब एक बात बड़े ध्यान से समझने वाली है डेट इंपॉर्टेंट थिंग इज के देखो हमारे पास एक्स वन डिस्टेंस नहीं है एक्स वन डिस्टेंस इज बेसिकली यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस है बट हमें हमें यहां से यहां दे रखा है तो मैं लूंगा जो भी पॉइंट हमारे आएंगे जो भी कोऑर्डिनेट हमारी लेंथ आएगी दैट मींस लेंथ ऑफ टेंजेंट लेंथ ऑफ नॉर्मल लेंथ ऑफ सब टेंजेंट लेंथ ऑफ सब नॉर्मल वो सारी की सारी इट विल कम इन फॉर्म ऑफ वाई वन और यू कैन से पी एन ये सारी की सारी लेंथ इट विल कम इन फॉर्म ऑफ पी एन सो इन ट्रगल पी टी एन आई सेज इट इज पी एन अपॉन पी एन अपॉन पी टी पी एन अपॉन पी टी दिस इज इक्वल टू साइन थीटर पी एन इज इक्वल टू वाई वन अपॉन साइन थीटर इज इक्वल टू पी टी और मैं कह सकता हूँ वाई वन अपॉन पी टी ये पी टी हमने निकालना है इट इज इक्वल टू साइन थीटर यहां पे आई कैन राइट डाउन वाई वन कुन ठीटा इज इक्वल टू पीटी सो यहां से मैं कंक्लूड कर सकता हूं pt इज इक्वल टू वाई वन कुन ठीटा इज इक्वल टू वन प्लस और आई कैन से पी टी इज इक्वल टू वाई वन इन टू वन अपॉन वन अपॉन टेन्थ थीटा. टी इज इक्वल टू वाई वन टेन स्केर थीटा प्लस वन अपॉन टेन थीटा सो यहां पे बना इट कम्स आउट टू बी आई कैन से पीटी इज इक्वल टू पीटी इज इक्वल टू वाई वन एन टू इट कम्स आउट टू बी वन प्लस डीवाई बाई डी एक्स द होल स्केर अपॉन डीवाई बाई डी एक्स

सो दिस इज पी टी दिस इज अ लेंथ ऑफ टेंजेंट ये स्टैंडर्ड फार्मूला हो अब मैं अगले पॉइंट पर आ रहा हूं दैट इज दिस इज अ फर्स्ट थिंग अब अब हम करने जा रहे हैं सेकेंड थिंग लेंथ ऑफ नॉर्मल यहां पे आ जाओ सबसे पहले आ जाओ इट इज अब हम करने जा रहे हैं इट इज लेंथ ऑफ नॉर्मल यहां पर आएगा पी एम पी एम इज लेंथ ऑफ नॉर्मल नाउ अब हम कह सकते हैं पीटीएन इज इक्वल टू थीटा एंड दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू थीटा बाय ज्योमेट्री इन ट्रायंगल पी एन एम इन ट्रायंगल पी एन एम मेरे को फाइंड आउट करना है इट इज दिस इज एम पी बिकॉज पी एम इज अंथ ऑफ नॉर्मल एंड इट इज आई कैन से इट इज पी एन पी एन अपॉन पी एम इज इक्वल टू दिस इज कॉस थीटा और आई कैन से पी एन इज वॉट वाई वन वाई वन अपॉन पी एम is equal to cos theta from i can say y1 upon cos theta this is equal to pm this is pm is equal to y1 into secant theta this is pm is what this is the length of normal now it is pm this is y1 into secant theta secant theta can be written as 1 plus

this is y 1 into 1 plus dy by dx the whole scale the next thing it comes out to be that is your sub tangent and not sub normal इसी फिगर में इसी ग्राफ में अब मैं आ रहा हूं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट नाउ द डेफिनेशन ऑफ सब टेंजेंट सब टेंजेंट क्या होता है द डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ Point where curve meet x axis, where tangent, not the distance of the point where tangent meet x axis meet at x axis to distance of the distance of point where tangent meet x axis to the point to the point on x axis where perpendicular meet where perpendicular meet here i will say t n is length of subtangent length of subtangent सब टेंजन मैंने क्या लिखी डेफिनेशन ये है सब टेंजन जिस पॉइंट पर टेंजेंट मीट करता है एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर परपेंडिकुलर मीट करता है एक्स एक्सिस पे उन दोनों पॉइंट के डिस्टेंस को हम बोलते हैं सब टेंजन नाउ टी अब हमने निकालना तो कैसे निकालेंगे इन ट्रायंगल पी टी इन ट्राइंगल पी टी यहां पर आ जाएगा इट कम्स आउट टू बी दिस इज हमने निकालना है टी एन इज टी एन अपॉन टी एन सबसे पहले आ जाएंगे टी एन की जगह पी एन अपॉन टी एन पी एन अपॉन टी एन इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा पीएन वाई वन इज इक्वल टू टी एन टेन थीटा tan theta is equal to y1 cot theta. This is Pn is equal to y1 cot theta. This is our subtangent. So, I will say this is Tn is equal to, this is equal to y1 upon tan theta. This is y1 upon dy.

this was second length of normal then it comes out to be third i do write down over here length of subtangent length of subtangent is y1 dx upon dy now the next thing it comes out over here is the last thing that is subnormal subnormal जैसे सब ट की मैंने डेफिनेशन दी थी सब डेफिनेशन क्या थी द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट वे आर टेंट मीट द एक्स एक्सिस एंड पेंडिकुलर मीटर सब नॉर्मल क्या होता है जिस पॉइंट पर नॉर्मल मीट करता है उस पॉइंट से नॉर्मल तक के डिस्टेंस को बोलते हैं सब नॉर्मल दैट इज बेसिकली एम एन that means the distance the distance between the points where where tangent meet x axis and normal meet at x axis. Not normal, I will say perpendicular meet x axis and perpendicular. Perpendicular meet at x axis. The distance between the points where tangent meet the x axis, not tangent, I will say where normal meet the x axis, where normal

एन एम किसके इक्वल आ जाएगा दिस इज वी हैव टू टू फाइंड आउट इज इज इक्वल दैट है और हम कह सकते हैं द लेंथ ऑफ टेंजेंट लेंथ ऑफ नॉर्मल इज वाई वन इन टू डी वाई बाई डी एक्स सो वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हेयर दिस इज पॉइंट नंबर थ्री लेंथ ऑफ टेंजेंट इज सब टेंजेंट इज वाई वन डी वाई बाई डी एक्स Now I can say the fourth point is length of subnormal. Length of subnormal Nm is equal to y1 dy by dx. So this will be used in objectives. Now I am coming to problems. First question questionnaire the question is if slope of curve y is equal to a x upon b minus x at point 1 comma 1 is 2 then a and b are then a comma b r ऑप्शन गिवन एज ए ऑप्शन इज वन माइनस टू बी ऑप्शन इज माइनस वन कॉमा टू सी ऑप्शन इज वन कॉमा टू एंड डी ऑप्शन इज ऑफ़ दिस. अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे हम सबसे पहले निकालेंगे डी वाई वाई डी एक्स डी वाई वे डी एक्स इज इक्वल टू बी माइनस एक्स एन टू ए माइनस ए एक्स इन बी माइनस एक्स का क्या आएगा माइनस वन अपन बी माइनस एक्स द होल इक्वल टू ए बी माइनस ए एक्स प्लस ए एक्स अपॉन बी माइनस एक्स दर दिस ए एक्स एंड ए एक्स विल बी कैंसिल आउट नाउ डी वाई बाई डी एक्स अब हमें क्या दे रखा है स्लोप ऑफ ए कर्व स्लोप ऑफ

क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखा है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का वे आउट किया हम चारों पॉइंट पुट करके देखेंगे कौन सा सेटिस्फाई करता है पहले हम ए ऑप्शन ट्राई करके देखते हैं ए ऑप्शन हम क्या पुट करेंगे ए इज इक्वल टू वन पुट करेंगे बी इज इक्वल टू माइनस टू पुट करेंगे टू इज इक्वल टू माइनस इज नॉट इक्वल सो ए रिजेक्टेड सो ए ऑप्शन इज रिजेक्टेड देन बी ट्राई करेंगे बी ऑप्शन क्या है बी ऑप्शन इज माइनस वन टू इट कम्स आउट टू बी टू इज इक्वल टू माइनस वन इंटू टू इट कम्स आउट टू बीट टू माइनस वन द होल्ड के नाउ टू इज नॉट इक्वल टू माइनस टू सो बी रिजेक्टेड सो बी रिजेक्टेड नाउ वि सी ऑप्शन सी ऑप्शन इज वन कॉमन टू This is equal to what? dy by dx. 1 to a, it, is, it comes out to be a b. This is equal to dy by dx is equal to 2. 2 is equal to, this comes out to be, this is 1 into 2 upon 2 minus 1 the whole square. Yes, 2 is equal to 2, it satisfies. So the right answer is C part, that is one comma two. We satisfy. It satisfies the condition. We got it from here. Now I'm coming to the next question. The next question is the tangent to the curve. The tangent to the curve y is equal to x cube. माइनस टू एक्स स्क् प्लस एक्स माइनस टू इज पैरल टू एक्स एक्स एट पॉइंट ऑप्शन गिवन एज ए वन कॉमा टू बी ऑप्शन इज माइनस वन कॉमा टू सी ऑप्शन वन बाय थ्री कॉमा माइनस फिफ्टी बाय ट्वेंटी सेवन एंड डी ऑप्शन इज वन बाय थ्री कॉमा फिफ्टी अपऑन ट्वेंटी सेवन नाउ डी टेंजेंट टू डी कवर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमने पहला पॉइंट किया था व्हेन टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस डी वाव डी एक्स इज कम टू आउट ऑफ़ जीरो सो डी वाव � 3x square minus 4x plus 1 tangent since tangent parallel to x axis. Since tangent is parallel to x axis, dy by dx is equal to 0. That means 3x square minus 4x plus 1 is equal to 0. पे पॉइंट निकलेंगे, आउट टू बी थ्री वैल्यूज कम्स टू बी वन एंड वन बाई थ्री अब हम देखेंगे इसमें सिर्फ एक सी पार्ट रिजेक्ट होता है तो ऑप्शन कैन बी ए सी और डी तो पहले हम एक्स इज इक्वल वन पुट करके देखते हैं क्या आता क्या एट एक्स इज इक्वल टू वन वाईजल टू वन माइनस टू प्लस वन माइनस टू वाई कम्स टू बी माइनस टू सो एक्टेड ए रिजेक्टेड बी तो पहले रिजेक्ट हो चुका था बिकॉज एक्स या वन आ रहे वन बाय थ्री ना एक्स इज इक्वल टू वन बाय थ्री एक्स इज इक्वल टू वन बाय थ्री सब शूट इन कर y is equal to 1 by 27 minus 2 by 9 plus 1 by 3 minus 2 y come out to be y minus 6 plus 9 minus 54 upon 27 y is equal to it comes out to be 50, no, 9 and 110 and minus 60 this is minus 50 upon 27 so, x is equal to 1 by 3 and y is equal to minus 50 upon 27. So, the right answer clearly is C part. So, C is the right option. The next question is the tangent to curve. रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू फोर इज इक्वली इनक्लाइंड इज इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सेस एट पॉइंट ए ऑप्शन वी हैव वन माइनस टू बी ऑप्शन फोर फोर सी ऑप्शन इज फोर कॉमा माइनस फोर एंड डी ऑप्शन इज माइनस फोर कॉमा फोर नाउ वी हैव बीन गिवन टेंजेंट इज इक्वली इनक्लाइन इक्वली इंक्लाइन का क्या मतलब होगा वी टेक इट अ क्वेश्चन रूट वी डू राइट डाउन द कर्व हमने कर्व लिखी सो इट इज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 upon 2 root x, 1 upon 2 root y dy by dx is equal to 0. This comes out to be 1 upon 2 root y dy by dx. This is minus 1 upon 2 root x. dy by dx is equal to minus 2 root y upon 2 root x. This comes out to be dy by dx. माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स नाउ नो कंडीशन द ओनली कंडीशन इज गिवन इज टेंजेंट पैरल इट इज टेंजेंट इज इक्वली इनक्लाइन इक्वली इनक्लाइन का क्या मतलब हुआ कोई भी लाइन जो इक्वली इंक्लाइन टू एक्सिस होगी, उस केस में थीटा विल बी वॉट 45 डिग्री और 135 डिग्री

रूट वाई अपॉन रूट एक्स इट कम्स आउट टू बी प्लस माइनस रूट एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट वाई ऑन वी एक्स इज इक्वल टू वाई दैट मीन्स एक्स शुड बी इक्वल टू वाई एक्स और वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए हम क्या कर सकते हैं हम एक्स इज इक्वल टू वाई इसी इक्वेशन में बुट कर देंगे एक्स प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू फोर 2 root x is equal to 4 root x is equal to 2 and x comes out to be 4 which implies y also comes out to be 4 so the right option is 4 comma 4 that means the right option is b part वी आर कॉन्टीनिंग विद द टेंजेंट्स एंड नॉर्मल और टेंजेंट नॉर्मल में पिछले लेक्चर में मैंने आपको फार्मूलेज और सारा समझा दिया था कि स्लोप क्या होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल उसके बेस पर कुछ प्रॉब्लम्स हम कुछ हमारी बुकलेट की मैं करने जा रहा हूं पहला क्वेश्चन है ये पहला ही क्वेश्चन हमारे बुकलेट का है ये क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन है जो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू वन प्लस एक्स स्क्र इनटू वाई इज इक्वल टू वन एट Points of intersection of curve x plus 1 into y is equal to 1 are given by options we have been given out a x plus 2y is equal to 1, y is equal to 1.

हमें गिवन है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व कर्व ये जो कर्व है एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व तो सबसे पहले जो हमने निकालनी है वो निकालने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हाउ टू फाइंड आउट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो कैसे निकालते हैं देखो यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं हम पहले y इज इक्वल टू वन अपॉन वन एक्स के पहले इस कर्व में से मैंने y की वैल्यू निकाल ली फिर दूसरी कर्व में से मैंने दूसरे इट इज एक्स प्लस वन की वैल्यू निकाल ली नाउ अब मेरे पास अब मैंने वाई की वैल्यू यहां से निकाल ली वाई की वैल्यू निकाल ली इक्वेटिंग दीज टू ऑन इक्वेटिंग मैं लिख सकता हूं ये बन जाएगा एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्स वन एक्स कॉमन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो और एक्स की वैल्यू आएगी जीरो एंड वन अब जो यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी यदि x इज इक्वल टू जीरो पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू वन एक्स इज इक्वल टू वन पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी हाफ सो so, ये दो पॉइंट आगे हाफ अब अब हमें क्या बोला गया हमें बोला गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अब हम क्या करेंगे हम निकाल लेंगे डी वाई बी डी एक्स इट इज इस कर्व में सो वाईज इक्वल टू कर्व को हम क्या लेंगे y इज इक्वल टू वन अपॉन वन अपॉन वन प्लस एक्स के अब हम करने जा रहे हैं सबसे पहले डिफरेंशिएट इसको डिफरेंशियट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स ये बन जाएगा वन प्लस एक्स के दी पार माइनस वन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस वन वन प्लस एक्स के दी पार माइनस टू इंटू टू एक्स यहां बन जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू

फर्स्ट इक्वेशन आई गॉट इट सो यहां से एक बात तो श्योर होगी बी बी रिजेक्टेड डी बी रिजेक्टेड सेकेंड वाली इक्वेशन निकालनी पड़ेगी वाई माइनस हाफ इज इक्वल टू माइनस हाफ इन टू एक्स माइनस वन ये बन जाएगा टू वाई माइनस वन इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू टू सो सेकंड इक्वेशन हमारी आ गई एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू लुकिंग अपॉन दिस वन मैं कहूंगा ये सी सी इज अ राइट ऑप्शन सो पहला रूल पहला रूल क्या होता है द फर्स्ट रूल इज हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स निकालना है जैसे मैंने इसको निकाला ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आगे एक बन गया जीरो कॉमा और एक बन गया वन कॉमा हाफ उसके बाद इसको मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया डी वाई डी एक्स को और उसी पॉइंट पर स्लोप निकाल लिया उस जिस पॉइंट पर कर्व्स आपस में मीट करती हैं एंड आई फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दोस पॉइंट इज एक जे बन गई एक बी सो राइट आंसर इज सी पार्ट जो हमने ये क्वेश्चन अभी किया ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ अवर बुकलेट अब मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं नाउ द अगला क्वेश्चन है वो हमारा दैट इज क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू ऑफ अवर बुकलेट ये क्वेश्चन है वाई इज इक्वल टू फोर एक्स माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू फोर एक्स माइनस फाइव इज टेंजेंट टू इज टेंजेंट टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स क्यू प्लस क्यू एट टू कॉमा थ्री At 2, 3, then A point it is P is equal to 2, Q is equal to minus 7, B, P is equal to minus 2, Q is equal to 7, C part is P is equal to minus 2, and Q is equal to minus 7, D, P is equal to 2. एंड क्यू इज इक्वल टू सेवन इसका क्या मतलब हुआ अब हम कैसे करेंगे पहले हम क्या करेंगे जो कव दे रखी है उस पर हम टेंजेंट निकालते हैं इट इज सो वाइसियर इज इक्वल टू पी एक्स क्यू प्लस क्यू टेंजेंट क्या निकालते हैं सबसे पहले हम निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट

इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट टू कॉमर थ्री ये बन जाएगा हमारा वाई माइनस थ्री पी वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू टू पी इंटू एक्स माइनस टू डेट मींस यहां से हम क्या कंक्लूड करते वी आर गोइंग टू कंक्लूड फ्रॉम हेयर वॉट दिस इज गिवन टेंजेंट ये हमें गिवन टेंजेंट इज गिवन टेंजेंट इज वाई इज इक्वल टू फोर एक्स माइनस फाइव इसका मतलब है स्लोप ऑफ टेंजेंट इज फोर और यहां पे हमारा स्लोप क्या आ रहा है इट कम्स आउट टू बी टू पी दैट मीन्स फोर मस्ट बी इक्वल टू टू पी एंड पी इज इक्वल टू टू सो so पी की जो फर्स्ट वैल्यू आ गई वी गॉट इट पी इज इक्वल टू टू इसका मतलब हुआ हमारा या तो हमारी ए ऑप्शन है या हमारी डी ऑप्शन है अब हम करेंगे क्या हमें कॉन्स्टेंट भी दे रखा है हम इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं इसको हम फर्दर प्रोसीड करते हैं वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू नाउ टू पी टू पी की वैल्यू फोर आ चुकी है फोर इंटू एक्स माइनस टू इट कम्स आउट टू बी वी टू फाइंड आउट क्यों बट यहां से करेंगे तो वी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब अगला पॉइंट हमें आता है जैसे अगले क्यों के लिए हम क्या करेंगे फॉर क्यों? इसको नहीं अब हम यूज करेंगे जैसे मैं इसको पहले करने लगा था क्योंकि अब हमें सिर्फ क्यों की वैल्यू निकालनी है अब क्या करेंगे फॉर क्यों फोर क्यों टू कॉमा थ्री टू कॉमा थ्री मोस्ट सेटिस्फाई मोस्ट सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन गिवन इक्वेशन इसका मतलब क्या है मैं टू थ्री पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट करूंगा और इसको सेटिस्फाई करना चाहिए इसका मतलब क्या बन जाएगा वाई की जगह पुट करूंगा यह बन जाएगा हमारा नाइन इज इक्वल टू थ्री वाई की जगह थ्री बुट कर दिया पी पी मेरे पास ऑलरेडी टू आ चुका है इट इज टू एक्स क्यूब की वैल्यू इट कम्स आउट टू बी एट प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू नाइन माइनस सिक्सटीन दिस इज इक्वल टू माइनस सेवन इसका मतलब हमारी वैल्यू क्या आ रही है जो रिजल्ट हमारा फाइनली आया वो ये आया p इज इक्वल टू टू एंड क्यू इज इक्वल टू माइनस सेवन अब हम चार आंसर देखेंगे कौन साफाई करता है तो देखेंगे सो ए इज अ राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिस इज अ क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑफ अवर असाइनमेंट एंड इट्स ऑप्शन इज ए नाउ आई एम कमिंग टू क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ अवर बुकलेट अब ये क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के बेस पे जो पहले मैंने क्वेश्चन किया वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है मैंने पहले समझाया हुआ इट इज अक्वेशन ऑफ पर पेंडिकुलर एट दैट वेरी पॉइंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ अवर बुकलेट इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू कर्व एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स डी पार वाई वे इट कट द एक्सेस वे इट कट द एक्सिस is a option is x plus y minus 1 is equal to 0 then it comes out to be this is b option we have x minus y minus 1 0 then it comes out to be c option x plus y is equal to 0 and d option is none of these द क्वेश्चन इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कव वेयर इट कव द इट कट द एक्स एक्सिस नाउ अब इसको हम कैसे करेंगे देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमने फाइंड आउट करनी है। देखो कोई भी कव कोई भी कव जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करेगी इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या क्या मतलब होता है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज वाई इज इक्वल टू जीरो सो इफ द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू कर इट कट द एक्स एक्स वज इट मीन्स इस इक्वेशन में मैं वाई की जगह जीरो बुट कर दूंगा तो वो पॉइंट आ जाएगा जिस पर हमने वी हैव टू फाइंड आउट दॉर्मल जिस पॉइंट पर हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है एक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू एक्स दावर जीरो एनीथिंग दू पावर जीरो इज वन दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू वन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज जिस पॉइंट पर निकालना इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट वन कॉमा जीरो इस पॉइंट पर निकालनी है और करना कैसे इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना इस कर्व को क्लियरली आप ये, हम ये ध्यान से देखोगे तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू इट हैज बिन गिवन एक्स दीपार वाई यहां पर हम लिख लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड टेकिंग लॉग यहां पे बन जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स दी पावर वाई दिस इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई लॉग का सिंपल रूल है लॉग एम पावर एन इज एन लॉग एम दैट मीन्स आई कैन राइट डाउन वाई लॉग एक्स अब क्या करेंगे एज यूजल क्या यूजेंट जब भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा जाए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछा जाए हम क्या प्रोसीड करते करते हैं हैं वी वी फर्स्ट ऑफ ऑल वन थिंग डू इट कि हम तो अब हम क्या करने जा रहे हैं डिफरेंशियट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये बन जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यहां पर क्या बन जाएगा प्रोडक्ट टू वाई लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन ओवर एक्स प्लस लॉग एक्स आउटसाइड वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स यहां पे आप क्या आएगा दिस इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू वन प्लस डी वाई बाय डीएक्स दिस इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई बायस डेट मीन आई कैन से ब्रैकेट इट इज डी वाई बाई डी एक्स दिस इज वाई अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस मैंने क्या किया बेसिकली डीवाई बाई डी एक्स वाली एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे इकट्ठी कर ली बाकी टर्म मैं उठा के इधर ले गया अब द कन्वीनियंट थिंग रहेगी इट इज यदि हम क्या पुट करते हैं एट पॉइंट वन जीरो बिकॉज इसको सिंप्लीफाई करने से अच्छा सीधा वैल्यू पुट कर देते हैं इट इज वन अपॉन वन प्लस जीरो माइनस लॉग एक्स दिस इज लॉग ऑफ वन डी वाई बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स वाई जीरो अपॉन वन minus 1 upon it is 1 plus 0 log 1 is 0 it is 1 d by dx divided by dx is equal to minus 1. So the first thing that we got it it is point second thing we got out we got the value of d by dx is equal to minus 1 or equation of normal equation. इट इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वो बन जाएगा वाई माइनस वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप माइनस वन ओवर एम सो इसका रेसि करेंगे वो सेम ही रहेगा इट इज प्लस वन बन जाएगा डेट्स ऑल इन टू एक्स माइनस वन नाउ इट कम्स आउट टू बी y is equal to x minus वन x minus वन minus वन is equal to जीरो सो द राइट आंसर इज बी पार्ट जो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट थिंग क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज यूज निकालता है फर्स्ट स्टेज पे कर्व एक्स एक्सिस को कट कर रही है वो हमने निकाल लिया और पॉइंट आ गया हमारे पास लेकिन ये जो कर्व दे रखी थी इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या लिया हमने देखा कि ये यहां पे फंक्शन दी पावर फंक्शन है और डिफ्रेंशिएशन का सिंपल रूल है जब भी फंक्शन दी पावर फंक्शन आए तो वी विल डिफरेंशिएट फर्स्ट ऑफ ऑल दैट मीन डिफ्रेंशिएशन से पहले हम क्या लेंगे लॉग लॉग एक्स प्लस वाई इज इकोल लॉग एक्स दी पार वाई लॉग एक्स प्लस वाई वाई लॉग एक्स डिफ्रेंशिएट किया इंस्टेट ऑफ सिंप्लीफाइंग सिंपल एक्स की जगह वन वाई की जगह जीरो पुट कर दिया आई गॉट डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन क्वेशन और नॉर्मल क्या होता है वाई माइनस जीरो माइनस वन अपॉन एम यह में होता है हमारा बुकलेट का क्वेश्चन नंबर थर्ड अब हमारे क्वेश्चन नंबर फोर्थ ऑफ अवर असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू काई इज इक्वल टू बी एक्स पार माइनस एक्स अपॉन ए at point at point where x is equal to 0 is a x upon a y upon b is equal to 1 this is the first option second option we have y upon b minus x upon a is 1 c option we have been given एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन एंड सो देशन पर टेंजन निकालना जिस पॉइंट पर एक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस एक्स ओवर में क्या बुट कर देंगे x इज इक्वल टू जीरो हम ये भी कह सकते हैं उस पॉइंट पर वेयर 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 क्योंकि की इक्वेशन क्या होती है x zero, तो हम डायरेक्टली भी ये लिखा जा सकता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट

e ये बन जाएगा किस पॉइंट पर किस पॉइंट पर बोला गया एट पॉइंट क्लियरली मींस जीरो बी एट पॉइंट जीरो बी मतलब

वल टू माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स माइनस जीरो माइनस ए बी इज इक्वल प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई ए बी हमारे पास आ जाएगा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वाई द राइट ऑप्शन इज सी पार्ट सो जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है उसका राइट आंसर है इट इज सी ये ध्यान से ये एक छोटी सी मिस्टेक नंबरिंग वाइज आपको करनी पड़ेगी बेटा दिस इज नॉट क्वेश्चन नंबर फाइव दिस इज नॉट क्वेश्चन नंबर नंबर ये बेसिकली क्वेश्चन फाइव है क्वेश्चन नंबर फोर्थ में स्लिप कर गया अब मैं फिफ्थ के बाद अब मैं क्वेश्चन नंबर फोर करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर फोर ऑफ आवर बुकलेट इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ ऑफ आवर बुकलेट इज कर्व

At point. At point, A option we have been given out one by one. One one B one comma zero. C it comes out to be. This is C, it is zero comma one and D at no point. Now the concept is what do you mean by horizontal tangent and vertical tangent? यहाँ पे पूछा गया है horizontal को vertical tangent, लेकिन आपको एक idea होना चाहिए how what do you mean by horizontal tangent? पहले इसको समझो horizontal tangent का क्या मतलब हुआ? Horizontal tangent कौन सा होगा? It will be it will be either ट विल बी आइदर एक्सेक्स और लाइन पैरल टू लाइन पैरल टू एक्सेक्स तो सबसे पहली बात है वट इज द मीनिंग ऑफ हॉरिजोनटल टेंजेंट सेम वे वर्टिकल टेंजेंट का क्या मतलब हुआ

या तो ये y एक्सिस होगा और इट विल बी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इसका मतलब क्या हुआ इस केस में दोनों केसेस में डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू जीरो बिकॉज इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस और x एक्सिस इन दोनों केस में थीटा विल बी जीरो एंड डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू जीरो और इफ लाइन इफ अ टेंजेंट इज वाई एक्सिस और पैरल टू वाइ एक्सिस उस केस में होगा डीएक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू जीरो मतलब है, यहां पर हमें क्या चाहिए वी नीड अ वर्टिकल टेंजेंट हमें जरूरत है वर्टिकल टेंजेंट की मैं हम क्या निकालेंगे हम यहां से डीएक्स ओवर डीवाई निकाल के और उसको हम पुट कर देंगे जीरो के इक्वल सो so, वहां से कंडीशन हमारी आएगी कि किस पॉइंट पर ये वर्टिकल टेंजेंट क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो हमारी बुकलेट का है इसको देखो कैसे करना है हमने y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू ई दी बनाने के लिए हम लॉग भी ले सकते हैं टेकिंग लॉग ये बन जाएगा लॉग वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग ई रीपार एक्स वाई ये बन जाएगा लॉग वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई लॉग ई लॉग ई इज इक्वल टू वन अब हम क्या करेंगे हमें डी एक्स ओवर डी वाई चाहिए तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू से डी वाई बाई डी एक्स इसमें उल्टा कर देते हैं हमें डी एक्स डी वाई चाहिए डिफरेंशियट विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशियट विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो ये बन जाएगा वाई 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 प्लस प्लस एक्स एक्स अपॉन ये बन जाएगा लॉगी वन e है एक्स को बाहर रखा वाई का वन वाई इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई this will be equal to what it is dy by dx dy by dy it is 1 plus x dy by dy plus y dx upon dy this is 1 not 1 plus this is x it is x this is it comes out to be this is first of all it is 1 plus ये क्या बन जाएगा x प्लस dy डी वाई अपॉन वाई प्लस एक्स वाई बन जाएगा दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई डी एक्स अपॉन डी वाई ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास क्या बन जाएगा इट विल बिकम वन प्लस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई अपॉन वाई प्लस एक्स वाई डी एक्स अपॉन डी वाई दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी एक्स अपॉन डी वाई यह बन जाएगा वाई वाई माइनस वाई स्केयर माइनस इट कम थाउ टो बी दिसकम था टो बी

इट विल बिकम वॉट वाई माइनस इट बिकम वन माइनस वन माइनस आई थिंक थोड़ा सा हम यहां पर वो कर गए एक थिंग जो कैंसल आउट हो रहा है तो उसको कैंसल आउट कर देना चाहिए यहां पर मैं वाई को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दूंगा यहां पर रहेगा वन अपॉन वन प्लस एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई

Now, d y by dx is equal to what? d y by dx is equal to what? dx over dy. dx over dy, this is equal to dx over dy is equal to xy minus 1 upon y into this is 1 plus x, this is 1 plus x upon 1 minus y minus xy. एक बार फिर आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम द बिगनिंग हमने लॉग लिया इसमें कोई मिस्टेक ना होगी हो, लिए मैं एक बार रे चेकिंग करने जा रहा हूं इट दर एक्स वाई टेकिंगशियट विद रिस्पेक्ट टू वाई कर दिया हमने डिफरेंशियट विद रिस्पेक्ट टू वाईज वन प्लस It comes out to be 1 plus x dy by dx plus y dx over dy. Now, upon y plus xy, it is x plus y dx over dy. 1 plus x, it is 1 plus x cancel out. Y cancel out. This is 1 upon 1 plus x. This is y cancel out. This is 1 upon 1 plus x minus y into dx over dy. नाउ आई एम गोइंग टू ड्रैब इट ओवर हेयर इसको अब मैं क्या करने जा रहा हूँ डी एक्स ओवर डी वाई को जीरो बुट करने जा रहा हूँ डी एक्स ओवर डी वाई को जीरो बुट करने जा रहा हूँ यहां पर हमारा क्या आ जाएगा एक्स वाई माइनस वन यहां पर हमारा आ जाएगा एक्स वाई माइनस वन इंट वन प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो और वी कैन से यहां पर यह बन जाएगा एक्स वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो

रहा है इट इज वन वन इट इज एक्स इज इक्वल टू वन वाईज टू वन सो इसका राइट आंसर क्या बन रहा है इट इज इट कम्स आउट बोथ ए एंड सी